भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने भारत के पास 5D जैसी ताकत होने का जिक्र किया, जिसका मतलब है डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम, जो विकास की यात्रा में बेहद लाभकारी होता है। लखनऊ देश का पहला संस्थान है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बिजनेस के लिए MBA प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार करने में सहायक साबित हुई है, बल्कि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुकूल भी है। इस दौरान उन्होंने भारत की सुधरती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। कहा, हमारी अर्थव्यवस्था एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। आज भारत के पास 5D है, डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारा विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ष 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए राह पर तैयार है। उन्होंने मेधावियों को डिग्री और मेडल देते हुए पदक पाने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को समझाया, साथ ही इसके दुष्परिणाम से बच्चों को अवगत भी कराया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को आसान बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रहा है। अपने व्यापक अनुप्रयोग के साथ AI और मशीन लर्निंग हमारे जीवन के लक्ष्य सभी पहलुओं को छू रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी क्षेत्रों में AI और मशीन लर्निंग हमारी दक्षता और कार्य क्षमता में व्यापक पैमाने पर सुधार करने की अनेकानेक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म से सुख प्राप्त होता है। उन्होंने आशा जताई कि संस्थान के आदर्श वाक्यों के अनुकूल आचरण करते हुए नैतिकता के साथ समाज और देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए कार्य करेंगे।